देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। सरहदों के कहर से सड़कों पर उतरी छात्राएं, यूपी को अपराध मुक्त करने के सरकारी दावों की जमीनी हकीकत आज फिर बांदा में देखने को मिली है, जहां महिला सुरक्षा के सियासी दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। हालत इतने बदतर है कि छात्राओं का कॉलेज जाना भी दूभर हो गया है। बांदा में सरेराह छेड़खानी और बदसलूकी के बाद पुलिस की निष्क्रियता से आक्रोशित छात्राएं आज सड़क पर उतरने पर मजबूर हुई हैं और सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया है। आप सड़क पर जो नज़ारा देख रहे हैं, ये बांदा के गिरवा स्थित डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज में विधि में पढ़ाई कर रही छात्राएं हैं। दरअसल ये छात्राएं कल शाम जब कॉलेज से लौट रही थी तो कॉलेज के पास ही लग्जरी चार पहिया वाहन सवार चार युवकों ने छात्राओं के साथ सरेराह छेड़खानी की और उनके साथ आपत्तिजनक बदसलूकी की। पीड़ित छात्राओं और कॉलेज प्रबंधन ने इस वारदात की सूचना तत्काल सीओ नरैनी और थाना गिरवा को दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज तक नहीं किया। इसी से आक्रोशित छात्राओं ने आज सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे बांदा पन्ना मार्ग कई घंटे बाधित रहा। छात्र छात्राएं कल शाम कॉलेज गेट पर लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से बेहद गुस्से में थे। स्टूडेंट्स ने बताया कि कल शाम वाहन सवार कई लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ की, पत्तियां कसी और उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी शिकायत थाना गिरवा में कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने की। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मौके पर पहुंचे सीओ और एसडीएम ने बच्चों को किसी तरह समझा बुझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही वहां से हटे। वहीं इस मामले में एसडीएम नरैनी का कहना है कि पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर दोषियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। हम लोग बस का वेट कर रहे थे स्कूल के बाहर खड़े होके, सारी लड़कियां थे हम लोग। अचानक से कार आती है और कार आके थोड़ा सा ब्रेक लगा उसमें, वो रुकता है और एक लड़का जो था वो अपना कुछ प्ले के लिए कुछ लिए हुआ था खेलने वाला, उसने अपना वो जानबूझ के विंडो से नीचे गिराया। देन वो कार से बाहर निकला और उस बाहर निकलने के बाद उसने वो उठाया और जैसे ही उसने वो उठाया उसने हम लोग की तरफ देखते हुए कुछ गंदे गंदे वर्ड्स बोले, ठीक है। मेरा फेस उसके एकदम सामने था। उसके बाद वो कार के अंदर बैठा और वहां से आवाज आई, बहुत गंदे वर्ड बोल रहे थे। क्या मैं बताऊँ वो क्या बोल रहे थे? उन्होंने हम लोग को बोला आओ रंडियों, इस तरह से हम लोग को इंडिकेट करते हुए, हम लोग वहाँ जितनी लड़की खड़े थे, जैसे हमारे सर आने के लिए हुए उन्होंने सर को इस तरह से टीस करते हुए हाथ दिखाते हुए और वो लोग सीधे निकल गए। कितने लोग थे गाड़ी में? चार लोग थे। हम लोगों ने चार लोगों को देखा, एक ड्राइव कर रहा था, मुझे व्हाइट कलर की थी, किस साइड से आई थी कलर की कार, गाड़ी किस साइड से आई थी? यहाँ से आई थी, सामने की तरफ से नरेनी की तरफ जा रही थी। वाले लड़कों को गाड़ी नंबर, जब हमारे सर ने एक्शन लिया तो ना ही पुलिस का कोई वो था, उनको ये है कि वो वहाँ के कोई नेता है नरेनी के, उनका भतीजा है तो वो कुछ नहीं करेंगे। ये कौन सी बात होती है, लड़कियों के साथ कुछ भी हो रहा है। क्या जानकारी मिले किस पार्टी के कौन नेता है? मुझे ये कोई आइडिया नहीं है, FIR नहीं रिसीव करी गई, मुझे ये कोई आइडिया नहीं है वो किस पार्टी के नेता, पर वो किसी नेता का भतीजा है इतना पता चला। कौन से थाने का मामला है? लड़का ड्राइव कर रहा था। कौन से थाने का मामला? गिरवा थाना। तो क्या FIR नहीं लिखी गई आप लोगों की? नहीं, FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उन्होंने दो दिन का समय मांगा और देन उसके बाद भी उनका अभी तक हम लोग यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा उनकी बहू बेटी के साथ होता तो क्या वो नहीं बोलते? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय है जिसमें की काफी सत्र लागू हैं, जैसे कि BLED, DLED, BTC, BCOM, BSc, ला, BLLB आदि सब कोर्स किए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ छात्रा बाहर खड़ी थी, जैसे कि चार लोग स्कॉर्पियो पे आए, कोई भी गाड़ी का नाम कोई वो था, वो आए, वो कुछ हाथ में था उनका गिरा, बच्चे खड़े थे, उन्होंने बदतमीजी की और गाली देके चले गए। तो क्या उसके बाद आप लोगों ने क्या कैसा विरोध कर रही हैं आप लोग? हमें न्याय चाहिए, ऐसा आज हमारे कॉलेज में हो रहा है, कल अन्य कॉलेज में हो सकता है। गांव की लड़कियां आती हैं पढ़ने, उनके साथ कोई घटना घटित होती है आगे चल के, ये हम नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल प्रशासन
एक नंबर में लापरवाही है। ये जो दुनिया में कहा जाता है सीएम की तरफ से प्रधानमंत्री योजना, ये दुनिया भर की योजना चलाई जाती है, बट कहते हैं कि 100 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, आशा ज्योति, ये सब हम कुछ नहीं मानते, क्योंकि जब लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो किस काम की ये सब चीजें। कौन से थाने का मामला है ये? गिरवा थाने। तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी? जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो हमारे कॉलेज के सर लोगों ने किया। 2 घंटे का आरटीओ ऑफिस से जाके नंबर निकाला और एफआईआर दर्ज की, सब कुछ किया और उन्होंने निकाला। इसके बाद जब आज आए हैं तो बोला कि हमको चाहिए, गाड़ी वाले को भी नहीं बता रहे, बोले गाड़ी वाला पकड़ गया है, पर हमने ये बोल दिया था कि वो गाड़ी का नंबर, ऐसा कोई गाड़ी का नंबर ही नहीं। छात्रों जाम लगाया था, क्या क्या कर रहा था? ऐसा है कि कल छात्राएं यहाँ स्कूल छूटने के बाद बस का इंतजार कर रही थी, तो वहाँ पर छात्र भी कुछ खड़े हुए थे, छात्राएं भी खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर कुछ गिरवा साइड से लड़के आए, 4-5 लड़के थे, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, UP 16N 1112 उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने आके अभद्र बातें की, गाली गलौज किया, और जब हमारे प्रशासन से यहाँ से जो स्टाफ गया दौड़ के, तो उनसे कहने लगे जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना, और गाली देते हुए और उल्टी सीधी हरकतें करते हुए चले गए। इस तरह के विरोध करे छात्राएं? छात्राओं ने विरोध किया कि हम पहले आए, छात्राओं ने पूछा कि सर आपने क्या कार्रवाई की है, तो मैंने बताया कि सीओ साहब ने मना कर दिया है कि गाड़ी उपलब्ध, यहाँ की गाड़ी नहीं है, और एसओ गिरमान ने भी आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज एफआईआर दर्ज नहीं की है। और उसके बाद छात्राएं तेज होकर के और जाम लगाने के लिए चले गए। यहाँ एक्चुअली हुआ क्या था, एक कार में जो है कुछ लोग जो है उन्होंने अश्लील हरकतें की थी, और इशारे उशारे से गाना ये जो एफआईआर में आया है, और हम लोगों ने कार को जो है स्थानीय पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, कार को जब्त कर लिया गया है, और 2-3 लोगों को पकड़ा भी गया है। इसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई ये जारी रहेगी, और जो भी अभी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। किस बात को लेकर के जाम लगाया था छात्रों? छात्र अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, वो उनका उनकी ये मांग थी कि राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।